बाबा कह रहे थे 12 सितंबर की बात है, मैंने पुलिस में 100 नंबर पर टेलीफोन किया, मकान नंबर 167 जो गली में पड़ता है मेन, वो पानी की वजह से नीचे का पिलर डैमेज हो गया। पुलिस में फोन किया, पुलिस वाला सवेरे 6 बजे आया, वो फोटो ले गया सारे। फोटो लेने के बाद मैंने कहा कोई भी बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई या इससे या गुजरेगा तो वो उसकी जरूर उसकी डेथ हो जाएगी, तो कृपया आप इसका कोई समाधान करें। हैं जी, पानी पूरी तरह भरा हुआ है और वो बिल्डिंग डैमेज होने वाली है। हर समय मैं 24 घंटे उसकी निगरानी करता हूँ। दूसरी 7 तारीख को प्रताप सिंह नाम का एक आदमी गुजर गया और ये जो शमशान घाट की है इसमें इतना पानी जो है, आप देखिए हम कैसे उस शमशान घाट में गए, लकड़ ले जा रहे थे, लकड़ भी पानी में पड़ के 2000 रुपए का नुकसान हुआ। फिर गरीब आदमी फिर दोबारा वो ले आया, तो आप बताइए इस क्या इलाज होगा इस पानी का। है जी, क्या ये सरकार है, क्या वो बाबा नाम बताइए, नाम बताइए। हाँ, नाम क्या आपका? मेरा नाम रामफल नाम है। बाबा कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता, मकान नंबर 168 मकान नंबर 168 मुंडका। और मैं पानी में गिर गया और मेरे पेट में जैसे लगी, मैं ये बंधे हुए हूँ, ये देखिए हॉस्पिटल वालों ने एडमिट। मैंने फिर दोबारा पुलिस में टेलीफोन किया, वो कहते हम करेंगे, ये हालत है इस सरकार की, ये क्या सरकार है जी। देखिए यहाँ पर एक बुजुर्ग आपको साफ बता रहे हैं, हालांकि कुछ बेशरम लोग पीछे हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, कि उनकी समस्या समझिए कि जब डेड बॉडी ले जाते हुए उनका ट्रैक्टर पलट जाता है तब क्या दिल पर बीतती है, आप समझ सकते हो। और ये दिल्ली का विकास है जी, आप बताइए बाबा क्या कह रहे हैं। कई बात है जी, ये परेशानी बहुत गरीब, बहुत परेशानी है जी। क्या परेशानी? परेशानी समस्या ये है, और कोई गुजर जाता है वहाँ दाग लगाने के लिए जगह नहीं है। समाधान कीजिएगा, और सारे गाँव में पैर रखने जगह नहीं है जी, पैर रखने जगह नहीं है गांव में जी। जी, जी। देखिए यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं और यही कह रहे हैं बार बार कि जगह नहीं है पैर रखने की, जगह नहीं है पैर रखने की। और ये नहीं कि एक एक दो तबके की बात कर रहे हैं हम, गरीब से लेकर अमीर जिनके 1 करोड़ के मकान है वो भी रोड पर है, और जो डेली वेजेस पे यहाँ पर काम करते हैं वो लेबर क्लास भी जो है वो रोड पर है। दाइए क्या नाम है आपका? संजय। इधर आ जाइए, ये इनका भी दिखाई देता है, बताइए। संजय कौशिक जी। मैं मुंडका से नहीं हूँ भाई साहब, लेकिन मैं आप बहादुरगढ़ से हूँ, लेकिन आपका सच बता रहा हूँ भाई साहब, ये जो आंदोलन है बहुत सही है। लास्ट एक बात बताओ, पिछले साल पूरा लॉकडाउन रहा, क्या गवर्नमेंट ने एक बार भी सोची है भाई चलो यार इसकी सुविधा के लिए कुछ तो करें। मैं आज का अभी का